हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सब लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं विटारा ब्रेजा ZDI मॉडल, जो सेकंड टॉप मॉडल है, और जो इस गाड़ी के ओनर है वो हमारे साथ है, जो उसके साथ हम थोड़ा वार्तालाप करेंगे और आपको थोड़ा ये गाड़ी के बारे में नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहे आप सब लोग, थैंक यू सो मच। तो सर, ये गाड़ी आपने कब ली है? 2018 में भाई ने ये कार ली थी। और कितने में पड़ गई थी अराउंड? आपको इतना थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो आप बता सकते हैं सर हमको। अराउंड 10 प्लस में पड़ी थी। तो इनको ये गाड़ी ऑन रोड की प्राइस की बात करें तो 10 लाख के ऊपर इसको इनको ये गाड़ी मिल गई थी। तब ये गाड़ी में थोड़ा सेल वगैरह था तो उनको थोड़ा ये रिजनेबल दाम में डिस्काउंट मिल गया था। तो डिस्काउंट के साथ ये गाड़ी उनको मिली थी। तो मैं बात करता हूँ इस गाड़ी में आपको एवरेज वगैरह कितनी मिलती है सर? एवरेज अराउंड विथ एसी 19-20 अराउंड रहती है। ओके, तो सर ये हाईवे पे। ओके, तो हाईवे पे सिटी में 16-17। ओके, ऐसा एक्सपीरियंस है। तो सर बता रहे हैं हमको विटारा ब्रेजा ZDI जो मॉडल है इन गाड़ी में इनको 19 के आसपास हाईवे पे एवरेज मिल जाती है, और सिटी की बात करें तो सिटी में इनको जो 16-17 के आसपास इनको एवरेज मिलती है। तो बेहतरीन एवरेज में बोल सकता हूँ, क्योंकि 1500 सीसी का इंजन इस गाड़ी में आता है, और 1500 सीसी के इंजन के साथ में इनको 15-18 डीजल में एवरेज मिल रही है। तो बेहतरीन बोल सकता हूँ, क्योंकि ये एवरेज आपको किसी और सेगमेंट में नहीं मिलेगी। तभी तो विटारा ब्रेजा इतनी नामचीन गाड़ी में समावेश होती है। तो सर आप मेरे को बताइए, इस गाड़ी में कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है? मतलब कि कोई गाड़ी आपको कभी इस गाड़ी ने कभी खराब एहसास हुआ हो कि ये गाड़ी नहीं ली होती तो अच्छा होता, या फिर कुछ इस गाड़ी के साथ आपका बुरा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, ऐसा तो अभी तक तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। बट एक शिकायत जरूर यह है कि इसमें जो ये रियर सीट में जो एसी देना चाहिए, ओके, इतनी सब तरह से उन्होंने सब चीज का ध्यान रखा है सुजुकी ने, जबकि ये एक चीज उन्होंने मिस की है। वैसे इतना इशू नहीं है, ये आगे के फ्रंट जो रियर एसी दिए वो कवर कर लेते, बट ये चीज उनको देनी चाहिए थी, जैसे कि वो डिजायर में देते। डिजायर इतनी छोटी गाड़ी होने के बावजूद भी उसमें उन लोगों ने पीछे के जो पैसेंजर उनका अलग से ख्याल रखा है, उन्होंने इधर भी सेंटर में एसी दिया है, प्लस वहां पे उन्होंने जो USB पोर्ट वगैरह चार्जिंग के लिए भी था वो उसमें इम्प्लीमेंट किया था, बट इसमें मिसिंग है। Okay. वो एक बात तो मुझे थोड़ी वो लगी, बाकी कोई कंप्लेन है नहीं। सर बता रहे हैं हमको इसमें जो पीछे का रियर एसी वेंट आता है और जो हमारा जो चार्जर के लिए सॉकेट आता है, सब गाड़ियों में अभी अवेलेबल है, लेकिन इस गाड़ी में 11 समथिंग इसको इन्वेस्ट करने के बाद भी उनको रियर एसी वेंट या कुछ चार्जर वगैरह के लिए सॉकेट पीछे बैठे हुए पैसेंजर के लिए मिलता नहीं है। तो उस चीज की से विटारा ब्रेजा में उसको शिकायत मिल रही है, और उनकी बात भी सही है, इतना ऐसा खर्च करने के बाद उसको रियर एसी वेंट नहीं मिलता है। अरे टाटा टियागो में भी दे दिया है अभी तो टाटा वालों ने, तो इस तरह की कॉम्पैक्ट एसयूवी में नहीं मिल रहा है तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, वो सही बात है। वैसे इसमें जो आगे के वेंट आते हैं चारों एसी के वेंट, वो सबसे अच्छा काम करते हैं। अभी हम एसी चालू करके बैठे, कोई गर्मी वगैरह फूर नहीं रही है, बाहर बहुत अच्छा टेम्परेचर लग रहा है, बहुत बुरा टेम्परेचर मैं बोल सकता हूँ, पर अंदर कोई बुरा टेम्परेचर हमको फिलहाल कोई महसूस नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हम पीछे की रो की जगह देख लेते हैं। जो आगे की सीट है वो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की हुई है, और तो भी इतनी जगह बच रही है मेरे पैर के लिए, और थाई सपोर्ट भी अच्छा है, और मैं बात कर सकता हूँ, मेरे को हेड के ऊपर की जो जगह रहती है वो भी अच्छी मिल रही है, रूफ़ और हेड के बीच की जगह। और हम बात करते हैं इसमें जो हमको हेड रेस्ट मिलता है और हैंड रेस्ट मिलता है, दोनों अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए हुए हैं विटारा ब्रेजा में, और इसमें कप होल्डर भी मिल जाएगा, लेकिन इसमें जो लेदर रैप किया हुआ है उसकी वजह से कप होल्डर छुप गए हैं। और बात करते हैं पीछे की ट्रॉली की, तो उसमें हल्की फुल्की हम चीज़ें रख पाएंगे इस ट्रॉली में, और बूट स्पेस की बात करें पीछे की डिक्की की तो इस सेगमेंट में सबसे अच्छी इसमें मिल जाती है।
हम आगे की सीट पे आ गए हैं, तो हमारे पास जो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है वो इसमें बटन वाला मिलेगा, क्योंकि ये 2018 का मॉडल है, ZDI मॉडल है, सेकंड टॉप मॉडल जिसको बोलते हैं। दूसरी बात करें तो हम इसमें हमको ऑटोमेटिक एसी का ऑप्शन मिल जाता है, जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल पे इसे काम करता है। इसमें हमको स्टेयरिंग पे थोड़े कंट्रोल मिल जाते हैं, जो वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए यूज़ होते हैं, और मोड वगैरह मिल जाता है, ब्लूटूथ वगैरह मिल जाता है, और कॉलिंग के लिए हमको इसमें बटन भी मिल जाएगा। हम ग्लव बॉक्स की बात करें इस गाड़ी में, जो 2018 का मिल रहा था मॉडल, उसमें हमको कूल्ड वाला जो ग्लव बॉक्स आता है वो नहीं मिलता है, और नीचे वाला ग्लव बॉक्स की बात करें तो कूल्ड मिलता है कि नहीं मिलता है मैं आपको बताता हूँ। ये भी आपको कूल नहीं मिलेगा, सिंपल ही मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं, लेकिन कूल मिलता तो बहुत अच्छा होता है। ये सेकंड टॉप मॉडल है, इसमें टिल्ट वाला स्टेयरिंग ऑप्शन भी मिल जाता है, लेकिन टेलीस्कोपिक मिलता नहीं है, हमको इसके ही टिल्ट से ही काम कर चलाना पड़ता है। और हमको जो टेकोमीटर है उसमें जो सिंपल टेकोमीटर मिलता है, और आरपीएम वाला भी जो हमको दिखाता है वो सिंपल मिलता है, बीच में थोड़ा डिजिटली हमको पेट्रोल वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और ट्रिप वगैरह मिल जाती है, और सेल्सियस जो इंजन कितना गर्म हुआ है वो हमको पता चल जाएगा, वो इधर हमको दिखा देगा, और इधर हमको पेट्रोल का जो अंक है हमको मिल जाएगा। चार आगे वाले एसी वेंट मिलते हैं, पीछे हमको इसमें कोई एसी वेंट मिलता नहीं है, सेकंड टॉप मॉडल है तो भी, जो सबसे ख़राब बात है मारुति सुजुकी की, वैसे अच्छा है आगे का जो वेंट है वो भी अच्छा काम करता है। तो मैं अभी टेम्परेचर के लिए बात कर रहा था, तो बाहर का टेम्परेचर इधर शो हो रहा है 31 सेल्सियस डिग्री है, और इधर जो अंदर का सेल्सियस है, अंदर का जो टेम्परेचर है 27 डिग्री है, तो अच्छा एसी काम कर रहा है वो हम बोल सकते हैं। तो चलो हम थोड़ा गाड़ी को चला करके देखते हैं, हम चलो फर्स्ट गियर में अभी डाला है गाड़ी को, और धीरे धीरे हम चलाते हैं क्या इसमें फीलिंग देती है। मैं तो स्विफ्ट चलाता हूँ, लेकिन आज मैं चलाने वाला हूँ विटार अंग्रेजा। यार महसूस तो यार एसयूवी वाली फीलिंग तो अभी तुरंत ही आ गई है मेरे को, क्योंकि मैं हैचबैक चलाता हूँ, और अभी ये फीलिंग मेरे को अभी जो ये एसयूवी वाली मिल रही है वो सबसे बढ़िया मिल रही है मैं बोल सकता हूँ। तो सॉरी यार, आपको कभी भी सीट बेल्ट के बिना गाड़ी मत चलाना, और जो कंपनी बोलती है कि सीट बेल्ट कंपलसरी, और गाड़ी में इम्प्लीमेंट भी अभी तो हुआ है, सब गाड़ियों में ऐसी है, जो हम अंदर बैठते थोड़ी गाड़ी चलती है बाद में टूट टूट करना लगती है, वो सही में अच्छी बात है, हमारे जैसे लोग भूल जाते हैं तो उसके लिए अच्छी बात है। तो हम बात करते हैं इसका पिकअप की, तो पिकअप में नो डाउट सबसे बढ़िया पिकअप मिल रहा है गाड़ी में, और जो नज़ारा देख रहे हैं इधर का वो सबसे बढ़िया नज़ारा है। तो बोलते हैं अभी 30-40 अराउंड गाड़ी चल रही है, और थर्ड गियर में गाड़ी है, तो थर्ड गियर में कोई पिकअप में प्रॉब्लम नहीं है, और गाड़ी में जो स्टेबिलिटी है ये कार की, वो स्टेबिली वाकई में बहुत अच्छी है। गाड़ी बोलते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा बिकने वाली ये कॉम्पैक्ट एसयूवी में कार है, तो उसमें मैं बोल सकता हूँ कि क्यों बिक रही है, वो बोल रहे हैं सब लोग बिक रही है, लेकिन इसलिए बिक रही है क्योंकि इसमें ड्राइवेबिलिटी, बात करते हैं ड्राइवेबिलिटी की, बात करते हैं इसमें एवरेज की, बात करते हैं इसकी जो स्टीयरिंग की कैपेबिलिटी की, या फिर बात करते हैं इसकी जो चौड़ाई है, वेट है, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, और कॉम्पैक्ट एसयूवी में जो जो चाहिए वो सब इस गाड़ी में मिल जाता है। और बात करते हैं हमारे जो सेफ्टी रेटिंग की, तो इस विटारा ब्रेजा ने 4 स्टार के साथ सेफ्टी में रेटिंग प्राप्त किए है, जो अच्छी बात है, क्योंकि इस मारुति सुजुकी में सेफ्टी के नाम पे 0 बोलते हैं सब लोग, लेकिन विटारा ब्रेजा ने 4 स्टार ले लिया है, तो सबसे अच्छी बात मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मारुति सुजुकी की एकमात्र कार ऐसी जो है विटारा ब्रेजा, जिसने 4 स्टार लेके सेफ्टी रेटिंग में अपना स्थान ग्रहण किया है। तो मैं बोल सकता हूँ विटारा ब्रेजा सेफ्टी की में भी थोड़ी अच्छी है, मैं बोलूंगा, नेक्सॉन वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, विटारा ब्रेजा की बात कर रहा हूँ। विटारा ब्रेजा सुजुकी कंपनी में सबसे अच्छी सेफ्टी में आती है कार में समावेश होता है। और बात करते हैं इसमें जो इंफोटेनमेंट सिस्टम अभी जो लगी है, जो टच वाला नहीं है, वो आप नहीं लेते हैं अगर गाड़ी 2020 की विटारा ब्रेजा, जो अभी तो पेट्रोल वेरिएंट में ही अवेलेबल है,
तो उसमें टच वाला आपको मिल जाता है जो कंपनी ने बदल दिया है। आगे की मैंने हेलोजन लाइट आपको बताती थी, हेडलाइट बताई थी, वो भी आपको टेलीस्कोपिक मिल जाती है नई विटारा ब्रेजा में। थोड़े थोड़े उसने कंपनी ने 2020 की विटारा ब्रेजा में बदलाव किए है, लेकिन ज्यादा बदलाव नहीं किया है क्योंकि टॉप सेलिंग कार में रह चुकी है कार। ज्यादा बदलाव करेंगे नहीं चलेगी चलेगी वो सब इश्यू आ जाते हैं, तो ज्यादा बदलाव तो कंपनी ने नहीं किया है, लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव किया है। कंपनी भी सोचती है कि मेरे को कमाना है कमाना है कमाना है, बहुत बदलाव करेगी तो कंपनी को इसकी कॉस्टिंग ज्यादा मिल जाएगी और कमा नहीं पाएगी कंपनी। लेकिन सबसे ज्यादा बिकने में सबसे अव्वल रहने में विटारा ब्रेजा ही है अभी तो कॉम्पैक्ट एसयूवी में। और क्यों है वो आप सब लोगों को पता चल रहा है, क्योंकि इसकी जो ड्राइवेबिलिटी कॉम्पेबिलिटी और जो हमारा जो विजिबिलिटी बात करते हैं चारों तरफ की वो सबसे बढ़िया है। और पीछे की जो हमको इसमें जगह मिलती है वो भी अच्छी है, पीछे बूट स्पेस मिलता है, मैं नहीं दिखा पाया हूँ आपको, लेकिन अच्छी मिलती है बूट स्पेस। और बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, वो भी सबसे बढ़िया है। तो कुल मिला के गाड़ी बहुत अच्छी है, पुरानी मिले तो पुरानी ले लो, नहीं मिले तो नहीं ले लो। कॉम्पैक्ट एसयूवी में जा रहे हैं तो एक बार विटारा ब्रेजा के लिए सोच लो, और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग में जाना है तो नेक्सॉन को सोच लो, सबसे बढ़िया रहेगा नेक्सॉन या फिर विटारा ब्रेजा, आप बोलो वो ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज हमने विटारा ब्रेजा की अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आपको बताने की कोशिश की है, और आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आप आशा करता हूँ आप सब लोग हेल्थफुल होंगे, और मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।